हे गाइस, तो आज लेकर आया हूँ फिर से एक फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट। कल के वीडियो में मैंने जियो 5G डेटा यूज किया था, बट आज वाईफाई यूज करने वाला हूँ क्योंकि आज मेरे पास 6 स्मार्टफोन है और 6 जियो सिम नहीं है। एक और पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, न्यू रेडमी नोट 13 प्रो एंड पोको X6 को एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है जनवरी के सिक्योरिटी पैच के साथ। तो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ दोनों स्मार्टफोन में बैटरी बैकअप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है या नहीं, चले देखते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चले स्टार्ट करते हैं। अपने पास है रेडमी नोट 13 प्रो, पोको X6 5G, पोको F5 5G, मोटो H40 नियो, इन्फिनिक्स GT10 प्रो एंड वीवो T2 प्रो। गाइस, नोट 13 प्रो एंड पोको X6 5G में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट मिल जाएगा एंड पोको F5 में स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 एंड बाकी तीनों में MediaTek का चिपसेट। H40 नियो में डेमेंसिटी 7030, GT10 प्रो में डेमेंसिटी 8050, Vivo T2 प्रो में डेमेंसिटी 7200। गाइस, ये सारा स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 बेस्ड OS पे रन कर रहा है एंड सारा स्मार्टफोन अपडेटेड है। नाउ सिक्योरिटी पैच नोट 13 प्रो एंड पोको X6 5G में जनवरी का मिल जाएगा, पोको F5 में अभी भी अक्टूबर का, मोटो H40 नियो में नवंबर का, GT10 प्रो और Vivo T2 प्रो दोनों में दिसंबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा। डिस्प्ले का साइज मैंने लिख दिया, वैसे सारा स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले ऑफर करता है H40 नियो को छोड़कर, जो 144 हर्ट्ज के साथ आता है। नोट 13 प्रो एंड पोको X6 5G 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले ऑफर करता है, बाकी सारा स्मार्टफोन फुल HD प्लस। गाइस, रिफ्रेश रेट मैंने सबका 120 हर्ट्ज पे सेट कर दिया है। नाउ बैटरी, नोट 13 प्रो एंड पोको X6 5G में 5100 mAh का बैटरी मिल जाएगा, पोको F5 मोटो H40 नियो एंड GT10 प्रो में 5000 mAh एंड Vivo T2 प्रो में थोड़ा कम 4600 mAh। तो बैटरी सबका फुल है, सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया एंड सारा स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड ब्राइटनेस और वॉल्यूम दोनों 50% के आसपास रहेगा सारे स्मार्टफोन का। सबसे पहले हम प्ले करेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स 1 घंटे के लिए, देखते हैं कितना बैटरी ड्रेन होता है इन सारे स्मार्टफोन में। गाइस, 40 मिनट हो गया है अभी नोट 13 प्रो और पोको X6 में ओनली 1% बैटरी ड्रॉप हुआ है, पोको F5 में ड्रॉप ही नहीं हुआ, अभी भी 100% पे दिख रहा है। मोटो में 2% बैटरी ड्रेन हुआ है, GT में 5% ड्रेन हो चुका है एंड Vivo T2 प्रो में अगेन 2% बैटरी ड्रेन हुआ है 40 मिनट। ज्यादातर स्मार्टफोन 100 से 99% आने में थोड़ा टाइम लेता है, तो पहले घंटे में बैटरी ड्रेन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कितना बैटरी ड्रेन हुआ है इस घंटे। नोट 13 प्रो 97 पे दिख रहा है, 3% बैटरी गया है 153 mAh। पोको X6 5G भी 97 पे दिख रहा है, 3% बैटरी गया है 153 mAh। पोको F5 में ओनली 1% बैटरी ड्रेन हुआ है, 1 घंटे में 99% पे दिख रहा है 50 mAh। मोटो H40 नियो 95 पे दिख रहा है, 5% बैटरी गया है 250 mAh। GT10 प्रो 92 पे दिख रहा है, 8% बैटरी गया है 400 mAh एंड Vivo T2 प्रो भी 97 पे दिख रहा है, 3% बैटरी गया है 138 mAh। 12 बज रहा है तो अभी हम वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, रात भर यूं ही फोन को छोड़ देते हैं, सारे फोन को टेबल पे, देखते हैं स्टैंड बाय मोड पे किसमें कितना बैटरी ड्रेन होता है रात भर में। वैसे सारे स्मार्टफोन में डेटा ऑन रहेगा, वाईफाई कनेक्शन ऑन रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए देखते हैं रात भर में कौन सा स्मार्टफोन ने कितना बैटरी ड्रेन किया है। लगभग 11 घंटे में वाईफाई नेटवर्क के साथ नोट 13 प्रो में 2% बैटरी ड्रेन हुआ है, 95 पे दिख रहा है 102 mAh। सेम कहानी पोको X6 का भी है, 2% बैटरी ड्रेन हुआ है 102 mAh। पोको F5 94 पे दिख रहा है, 5% बैटरी ड्रेन हुआ इसमें 250 mAh। मोटो H40 नियो 95 पे था, 90 पे दिख रहा है, 5% बैटरी इसका भी गया है 250 mAh। इन्फिनिक्स GT10 प्रो 92 पे था, 87 पे दिख रहा है, 5% बैटरी इसका भी गया है 250 mAh। एंड Vivo T2 प्रो 97 से 93 पे दिख रहा है, यानी 4% बैटरी गया है 184 mAh। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, नोट 13 प्रो एंड पोको X6 ने लास्ट वीडियो में जियो नेटवर्क के साथ 4-4% बैटरी ड्रेन किया था। अब गाइज रील्स प्ले करेंगे 1 घंटे के लिए, देखते हैं इस घंटे कितना बैटरी ड्रेन होता है। वीडियो बहुत प्यार और मेहनत से बना रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में ज्यादा सोचना मत। ओके, तो रील्स का 1 घंटा कंप्लीट, टोटल 2 घंटा हो चुका है। Redmi Note 13 Pro 83 पे दिख रहा है, 12% बैटरी इस घंटे गया है 612 mAh। Poco X6 84 पे दिख रहा है, 11% बैटरी गया है 561 mAh। Poco F5 94 से 83 पे दिख रहा है, 11% बैटरी गया है 550 mAh। Moto H40 Neo 90 से 77 पे दिख रहा है, यानी 13% बैटरी ड्रेन हुआ है 1 घंटे में 650 mAh। Infinix GT10 Pro 87 से 78 पे दिख रहा है, ओनली 9% बैटरी गया है 450 mAh। एंड Vivo T2 Pro सबसे कम बैटरी कैपेसिटी वाला स्मार्टफोन 93 से 85 पे दिख रहा है, इसमें भी ओनली 8% बैटरी ड्रॉप हुआ है 368 mAh सबसे कम। वैसे रील्स में सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है Moto H40 Neo ने एंड उसके बाद Note 13 Pro ने। गाइस, अब कैजुअल गेमिंग हो जाए 1 घंटे के लिए हम सबवे सर्फ खेलेंगे। लास्ट वीडियो में
पोको X6 Pro के बारे में बहुत सारा कमेंट्स देखा था, इसलिए मैंने पोको X6 Pro भी खरीद लिया है। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड पोको का वीडियो मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, तो सर्वे सर्व का 1 घंटा कंप्लीट, टोटल 3 घंटा हो चुका है। रेडमी नोट 13 प्रो 87 से 75 पे दिख रहा है इस घंटे, 8% बैटरी ड्रेन हुआ है, 408 mAh। पोको X6 भी 84 से 76 पे दिख रहा है, 8% बैटरी गया है, 408 mAh। पोको A5 83 से 74 पे दिख रहा है, 9% बैटरी गया है, 450 mAh। मोटो H40 नियो 77 से 65 पे दिख रहा है, 12% बैटरी गया है, 600 mAh। इन्फिनिक्स GT10 Pro 78 से 69 पे दिख रहा है, 9% बैटरी गया है, 450 mAh। एंड Vivo T2 Pro 85 से 78 पे दिख रहा है, ओनली 7% बैटरी गया है, 322 mAh। कुछ स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो वाईफाई के साथ बैटरी कम कंज्यूम करते हैं एंड मोबाइल डेटा के साथ ज्यादा करते हैं, लाइक Vivo T2 Pro। एंड कुछ फोन ऐसे होते हैं बैटरी ड्रेन उनमें दोनों ही सिनेरियो में देखने को मिलता है, लाइक Moto H40 Neo। गाइस, तो चलिए अब हेवी गेमिंग करते हैं, BGMI खेलते हैं स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे। बट उससे पहले ग्राफिक्स सेटिंग्स चेक कर लेते हैं सारे स्मार्टफोन का। पोको A5 एंड GT10 Pro में स्मूथ के साथ 90 FPS मिल जाएगा, बट बाकी सारे स्मार्टफोन में स्मूथ के साथ एक्सट्रीम मिलेगा। बैलेंस्ड के साथ एक्सट्रीम मिल जाएगा दोनों पोको और Redmi Note 13 Pro में, बाकी तीनों में अल्ट्रा मिलेगा। HDR के साथ भी एक्सट्रीम मिल जाएगा दोनों पोको और नोट 13 प्रो में, बाकी तीनों में अल्ट्रा मिलेगा। HDR के साथ भी एक्सट्रीम मिल जाएगा दोनों पोको और नोट 13 प्रो में, बाकी तीनों में अल्ट्रा मिलेगा। तो चले स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे 3 घंटा BGMI। किसी भी फोन में मैंने परफॉर्मेंस मोड को ऑन नहीं किया, बट ब्राइटनेस को मैक्स पे कर दिया है और वॉल्यूम 50% के आसपास ही है। तो चले देखते हैं 3 घंटे में कौन सा स्मार्टफोन कितना बैटरी ड्रेन करता है। गाइस, लास्ट वीडियो को 600 से ज्यादा लाइक्स मिल चुका है, तो क्या इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिल सकता है, क्या लगता है आपको? इसके बाद YouTube भी प्ले करना है तो 2.5 घंटे में BGMI को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्मार्टफोन का बैटरी थोड़ा नीचे आ गया है। तो चलिए 2.5 घंटे में BGMI को स्टॉप करते हैं, टोटल 5.5 घंटा हो चुका है। गाइस, Redmi Note 13 Pro 75 पे था, 38 पे दिख रहा है, ओनली 37% बैटरी ड्रेन हुआ है, 1887 mAh 2.5 घंटे में। लास्ट मोबाइल डेटा वाले वीडियो से अगर कंपेयर करूं तो आज वाईफाई वाले वीडियो में काफी कम बैटरी ड्रेन हुआ है। नाउ पोको X6 40 पे दिख रहा है, 36% बैटरी ड्रेन हुआ है, 1836 mAh, इसमें भी काफी कम हुआ है। पोको A5 74 से 31 43% बैटरी ड्रेन हुआ है, 2150 mAh। H40 Neo 65 से 21 पे दिख रहा है, 44% बैटरी ड्रेन हुआ है, 2200 mAh। एंड इस बार GT10 Pro ने भी थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है, 69 पे था, 20% पे दिख रहा है, 49% बैटरी ड्रेन हुआ है 2.5 घंटे में, यानी 2450 mAh। बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से Vivo T2 Pro भी काफी इंप्रेसिव दिख रहा है, 78 पे था, 40% पे दिख रहा है, 38% बैटरी ड्रेन हुआ है 2.5 घंटे में, 1748 mAh। वैसे मोबाइल डेटा के साथ Vivo T2 Pro में ज्यादा बैटरी ड्रेन होता है। अब गाइस, YouTube 3 घंटा हम 1080p वीडियो प्ले करेंगे सारे स्मार्टफोन में। वैसे सारा स्मार्टफोन 4K वीडियो सपोर्ट करता है। फिर से याद दिला दूं, ब्राइटनेस मैक्स पे है, फुल है एंड वॉल्यूम 50% पे। ओके, तो गाइस सबसे पहले विकेट गिरा इन्फिनिक्स GT10 Pro का 5000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, 6 घंटे 54 मिनट चला, ऑलमोस्ट 7 घंटे, इनका 20% 1 घंटा 24 मिनट चला YouTube। 1 घंटा 24 मिनट में 1000 mAh बैटरी कंज्यूम किया। ठीक 14 मिनट के बाद 5000 mAh बैटरी वाला एक और स्मार्टफोन Moto H40 Neo भी डेड, 7 घंटे 10 मिनट में, इनका 21% यानी 1050 mAh बैटरी 1 घंटे 40 मिनट चला YouTube। गाइज ठीक 28 मिनट के बाद 7 घंटे 38 मिनट में 4600 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन Vivo T2 Pro भी डेड, 40% बैटरी, 1840 mAh बैटरी 2 घंटे कुछ मिनट में खत्म। मैक्स ब्राइटनेस के साथ YouTube ने कुछ ज्यादा ही बैटरी चूज लिया Vivo T2 Pro का। गाइज YouTube का 3 घंटा कंप्लीट, टोटल 8.5 घंटा हो चुका है। Redmi Note 13 Pro में 9% बैटरी अभी भी दिख रहा है, Poco X6 5G में 12% दिख रहा है एंड Poco A5 5G डेड होने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड पोको A5 डेड 8.5 घंटे में, 5000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 8.5 घंटे चला। GT10 Pro से 1.5 घंटा ज्यादा, Vivo T2 Pro से 1 घंटा, इनका 31% 1550 mAh बैटरी, YouTube 3 घंटा चल पाया। गाइस किसी अर्जेंट काम की वजह से मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा था, बट एक मिस्टेक हो गया, वापस से जब वीडियो को स्टार्ट किया तो रीसेट कर दिया स्टॉपवॉच को। चलो कोई बात नहीं, 8.5 घंटा हो चुका है, इसको याद रखना है। स्टार्ट करने से पहले दिखा दूं, नोट 13 प्रो का बैटरी 9% पे ही है, पोको X6 का 12 पे। अब गाइस हम टास्क को रिपीट करेंगे, 1 घंटा YouTube शॉर्ट्स फिर से प्ले करेंगे, बट इस बार ब्राइटनेस मैक्स पे रहेगा। तो Note 13 Pro 5100 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 9 घंटे 11 मिनट में डेड, इनका 9% 459 mAh बैटरी 41 मिनट चला। एंड फाइनली एक और 5100 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन Poco X6 5G 9 घंटे 27 मिनट में डेड, इनका 12% 612 mAh बैटरी 57 मिनट चला। गाइस अगर मैं इसको Infinix GT10 Pro से कंपेयर करूं तो 100 mAh बैटरी ज्यादा है, कैपेसिटी इसका थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 2.5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा मिला,
पोको X6 5G में। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए iPhone Unboxed।